नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये खास दिन 7 मई को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध श्री हरि विष्णु का अवतार है। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन न करने पर भक्तों को ईश्वर की कृपा नहीं मिलती। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी ईश्वर आराधना करते समय व्यक्ति को भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है वो काम। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांस ना खाएं, घर में किसी तरह का कोई कलह ना करें, किसी को अपशब्द कहने से बचें, आज के दिन झूठ बोलने से बचें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन करें ये काम। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद स्नान करके खुद पर गंगा जल का छिड़काव कर लें। घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर वहां गंगा जल छिड़क दें। अगर आपके घर में कोई पक्षी हो तो उसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन आजाद कर दें। इसके बाद शाम को उगते चंद्रमा को जल अर्पित करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।